हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में स्वागत करती हूं और आप सब लोग भी सबके लिए यही कामना करें। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या कार्ड्स आते हैं और कैसी एनर्जी आती है। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद है। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्थिति अनिर्णय की है। अनिर्णय की स्थिति कब होती है? जब हम दो चीजों में अटके होते हैं। ये दो बातें ही हमें भटका रही होती हैं, अटके भी होते हैं, भटके भी होते हैं। तो इसलिए कार्ड ये बता रहा है कि आपकी अनिर्णय की स्थिति है, जो आपको उससे हो क्या रहा है। इस अनिर्णय की स्थिति में, डबल माइंडेड होने की, उसमें आप क्या फेस कर रहे हैं? ट्रबल, असंतुलन और सबसे बड़ी बात, किलिंग द टाइम। जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वो है समय का, टाइम का। और इस अनिर्णय की स्थिति में, इस डबल माइंडेड होने की वजह से असंतुलन और आपका कष्ट बढ़ रहा है। और देखिए, जब असंतुलन बढ़ेगा तो बैलेंस बिगड़ेगा, तो जीवन की ट्रेन डिरेल होगी, उससे समय नष्ट होगा। और समय का नष्ट होना जीवन में सबसे बड़ा भारी पड़ने वाला सोच होता है। आप डबल माइंडेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लेना है, डिफिकल्ट डिसीजन लेना है। लेकिन मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूं कि कोई भी इंसान डिफिकल्ट डिसीजंस लिए बिना जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम चलते हैं तो हमारे दोनों पैर चलते हैं, तो हमें एक धरातल छोड़ना होता है, तभी हम अगली मंजिल को पाते हैं। ये नहीं है कि हम जमा के पैर खड़े हैं तो हम आगे निकल जाएंगे, नहीं। चलने का नियम, एक पैर आगे गया, दूसरा फिर पीछे की स्थिति छोड़ेगा, आगे जाएगा, फिर जो आगे वाला पहले था वो पीछे हो गया, तो वो पीछे की स्थिति छोड़ेगा तो आगे जाएगा। तो जब भी हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े हार्ड डिसीजंस लिए हैं, और उन डिसीजंस का मेरे जीवन पर असर क्या हुआ कि मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में प्रसन्नता है, मेरे जीवन में सुख है। क्योंकि अगर मैं हार्ड डिसीजन नहीं लेती तो शायद उस घुटन में कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मैं ये, तो आधा जीवन हम अपना समय, जीवन का आधा, जीवन का आधा समय हम खा जाते बेकार में। इसलिए कहती हूँ, समय रहते फैसला लीजिए और समय रहते फैसला लेकर के, निर्णय लेकर के
अपने जीवन को एक धार दीजिए, अपने जीवन को एक मार्ग दीजिए। बहुत जरूरी होता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और अगर अर्धनारेश्वर रूप भी धारण करना पड़े तो भी करो, जरूरी है, जीवन है ये। हम इस संसार में अपने जीवन का महाभारत लड़ रहे हैं, तो जब हम महाभारत युद्ध लड़ ही रहे हैं तो उसमें कई दफे अपनी इच्छाओं की हत्या करनी पड़ती है, कई दफे हमें अपने मार्ग की हत्या करनी पड़ती है। लेकिन सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, असत्य की हत्या करो, समय को बचाओ। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन समय भी जीवन है। इसके बाद अगला कार्ड कैसी एनर्जी हमें शो कर रहा है देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है और आपको एक निर्णय लेना है तो उस निर्णय में कुछ और बातों को भी शामिल कीजिएगा, समाहित कीजिएगा, सम्मिलित कीजिएगा। वो क्या है? दूसरों से सहयोग करें भी और दूसरों से सहयोग लें भी, क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज हैं वो वाइस वर्सा चलती हैं। तो जब एनर्जीज वाइस वर्सा चलती हैं तो अगर सहयोग की बात आ रही है, कोऑपरेशन की बात आ रही है, तो हमें किसी को देना भी पड़ सकता है, किसी से लेना भी पड़ सकता है। और जब हम कोऑपरेट करेंगे, देंगे सहयोग या लेंगे सहयोग, तो उससे क्या होगा? हमारी जो सामने वाले के प्रति पार्टनरशिप है वो बड़ी अच्छी होगी, गुड पार्टनरशिप होगी। देखिए, अगर आप प्रोफेशनली पार्टनर हैं तो कभी किसी की पर्सनल लाइफ में ना जाएं, और अगर आप पर्सनली घर में पार्टनर हैं तो भी अपनी लक्ष्मण रेखा को कभी पार ना करें। इसके बाद अगला है कि ये जो पार्टनरशिप आपको मिल रही है, कईयों को मिल चुकी होगी, जिनको मिल रही है ये पार्टनरशिप, उनके लिए तो सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं, उनके लिए सक्सेस के द्वार ओपन हो रहे हैं। और आगे सक्सेस का डोर ओपन होने के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, ये ऐसी एनर्जीज इसमें हैं कार्ड में। और ये जो एनर्जीज हैं कार्ड में वो आपको ब्लेस भी कर रही हैं, आपको बहुत आगे जाने का आशीर्वाद दे रही हैं। इसके साथ आपकी जो सोचने की पावर है, वो पावर बहुत दूरदृष्टि रखती है, फोरसाइट बहुत दूरदृष्टि रखती है। जो चीज़ लोग सोच भी नहीं सकते हैं उसके ऊपर आप प्लान बना रहे होते हैं, उसके ऊपर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आपका आने वाले समय में विदेशों में भी एक्सपेंशन होगा, आपका कारोबार, आपकी ख्याति, आपकी सक्सेस की स्टोरी विदेशों तक जाने वाली है। और फिर वहाँ से जो आपको सहयोग मिलेगा वो तो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों, कई आपकी जनरेशंस उसका भोग करेंगे। बहुत सारी ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं, कईयों के सामने आ गई होंगी और जिनके नहीं आई हैं उनके आने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कार्ड आया। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आपको
सोशल अप्रूवल मिल रहा है, जब आपको सोशल अप्रूवल मिल रहा है तो आप क्या करें, डाउन टू अर्थ रहें, तो आप क्या करें, लोगों को मदद करें, तो आप क्या करें, जिसको जैसी मदद की जरूरत हो, कोई गरीब है उसको मेडिकल एड चाहिए वो दीजिए, कोई स्टूडेंट है पढ़ना चाहता है लेकिन वो नहीं है तो उसकी फीस दीजिए, उसको बुक्स वगैरह, उसकी जिस तरह की भी आप हेल्प कर सकते हैं करिए। और आपकी स्पिरिचुअल विजडम तो बहुत अच्छी है, ये तभी तो आप आगे जा रहे हैं, तभी तो आपकी, देखिए जो इंसान स्पिरिचुअल होगा उसकी फोरसाइट बहुत तेज होगी, क्यों, क्योंकि जो अध्यात्म व्यक्ति है वो उस चीज का मनन चिंतन करता है जो इनविजिबल है, और जब इनविजिबल का हम मनन चिंतन करते हैं और उसे पाते हैं, पाने का प्रयास करते हैं, तो सोचिए कि संसार की चीज के लिए क्या सोच नहीं सकते, जब हम इस संसार से बाहर की चीज का मनन चिंतन करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात को गौर से सुनिएगा, मैं जोर दे के बोल रही हूँ, गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो कभी आपके अहित की बात नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर वो किसी के भी अहित की बात करता है तो उससे साफ है कि वो अपना तपस्या अपना अध्यात्म खो रहा है। इसलिए स्पिरिचुअल विजडम आपकी है, आप इसलिए इतना दूरदृष्टि रखते हैं, आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के काम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है जो आपकी फैमिली लाइफ को नरेट कर रहा है कि आप का परिवार में शांति है, आप पति पत्नी की आप आपस में बहुत अच्छा एक रैपो है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है और म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छे। आपकी कई चीज़ों में, कई आपकी जो आपके दिमाग में प्लान्स थे उनकी न्यू बिगनिंग होने जा रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया था ना पीछे कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो वही आगे बात चल रही है कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग के साथ सफलता मिलने वाली है, और बस इतना ध्यान रखिएगा कि उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए किसी को हर्ट मत कीजिएगा, किसी को भी हर्ट मत कीजिएगा, और अपनी लाइफ को और आगे लेकर जाएं, क्योंकि आपके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटीज हैं तभी तो आप इतना आगे जा रहे हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ना होती तो आप जहाँ थे वहीं रहते, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं और आप ने ये पैदा नहीं की है अपने अंदर, बॉर्न है आपके, बाय बर्थ हैं आपके पास। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरा WhatsApp नंबर है 8295650369, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो। हरि ओम नारायण हरि ओम।